मैं आप सब लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। आप सबको बिना बताए मैंने अपने साथ लेके, जिनकी आप बहुत फिक्र करते हैं, भूल गया था कि मैं कौन हूं क्या हूं। आपकी जिंदगी में मेरे लिए जो जगह थी उससे कहीं ज्यादा पाने की कोशिश की, लेकिन मुझे क्या पता था इस लालच की वजह से मैं वो भी खो दूंगा जो मेरा अपना था। एक बार भी नहीं सोचा कि आपको कैसा लगेगा, आपको कितनी तकलीफ होगी। मैं जानता हूं कि मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी हो सके तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी, मेरी वजह से आपको कितनी तकलीफ। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज बैसाखी का दिन है, मैं अपने सारे क्लेश शिकवे दूर कर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आंटी जी, अब जब दलजीत ने भी अपनी गलती मान ली है और माफी भी, तो मैं भी सिर्फ एक मौका चाहता हूं। देखिए, हम छोटे हैं, जोश में आकर अक्सर गलतियां करते थे, आप तो बड़े हैं ना, छोटों की गलतियों को माफ करना ही आपका बड़प्पन है। मैं सिर्फ साहिबा को ढूंढना चाहता था और शायद उसी जद्दोजहद में आपसे थोड़ी बदतमीजी कर बैठा। आपको चोट पहुंचाना नहीं चाहता था और कोई इरादा नहीं था मेरा। माँ है ना, बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। और वैसे भी गलती मैंने की है तो उसकी सजा पूजी को क्यों देनी? इसमें पूजी की क्या गलती है? प्लीज प्लीज आंटी जी, बैसाखी की बधाइयां नहीं देखी तू?
शादी के बाद तेरी पहली बैसाखी है अपने घर में। और जो भी मैंने तुझे भला बुरा कहा है ना सारा भूल जा, वो दिल पे ना लेना। कार चल। ब्यूटी, पहली बैसाखी तुमको मुबारक हो। चलो जी, अब तो आप बड़ी खुश होगी ना चाची जी। भैया आपकी फिर से एंट्री जो होगी है हमारे घर में, है ना? कोई सुखी तू भी ना। ले, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? भाई जो बात सबके दिल में है वो मेरी जुबान पे है। भाई अपने दिल की बात बोलना कोई गलत होता है? अच्छा छोड़ो, साहिबा ये देख, मेरा निक्कू ना आजकल बड़ा ही रोता है। देखते हैं आप तेरी गोद में आके रोता है कि नहीं। पकड़ ले। मुझे लगता है जी ये माहौल काफी सैड हो गया, थोड़ा सा कॉमेडी करते हैं विद म्यूजिक। रूपतर तू जा, तू टप से ऊपर जा और जाके ना एक भंगड़े की सीडी उठा के ले आ, है? तब तक हम यहाँ पे ई एफ का इंतजाम करते हैं, एंटरटेनमेंट और फन दोनों। अंकल जी ये गलत बात है, आप सारा काम मुझे क्यों बोलते हो? रूप पुत्र ऐसे बात करते हैं बड़ों से? ओ संदी जी, ओ तुसी बीच में ना पड़ो, ओ जा तू जा सीडी पे कंसंट्रेट कर जा। खेतीकार जी ठीक है। ओए भाग मिल्खा भाग। चलो जी चलो शुरू करो जी कुछ। कहाँ यार, आज ही करती हूँ। बाप रे, ये सारी सीडीज लो, अब इन पे नाम भी नहीं लिखा है। लैपटॉप, लैपटॉप पे ट्राई करती हूँ। ओहो चल क्यों नहीं रही है ये? संदीप आपने बुझ के लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू। मैं पिनिया लेकर आती हूँ। रुक ना, मैं लेकर आता हूँ। आजा मेरा पुत्र आजा। ओ भाई देखो पिंड वालों, आज मैं ना आपको एक एसएमएस देना चाहता हूँ। वो ये है कि मेरा बेटा आजकल किचन किंग हो गया है। अपनी बुटीक क्वीन के लिए अपने हाथों से पिन्नी बनाता है जी। भाई आप भी खाओगे तो आप भी बोलोगे सो स्वीट पिन्नी, सो स्वीट। और जी उसने खास साइबर के लिए बनाई है, साइबर नु पिनिया बड़ी पसंद है ना, है ना पुत्र? भाई आई नो दैट। मैं लेकर आता हूँ। आओ जी समधी जी। और समधी जी ओ आपको एक ठंडा कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ, आ जाओ। जल्दी आओ ना, मुझे बताओ भांगड़ी की सीडी कौन सी है। देखो जीजू का लैपटॉप ही हैंग हो गया। अब आई रूप क्या हुआ? रूप दीप दी देखो ना, जीजू का लैपटॉप हैंग हो गया है, ऊपर से वो सीडी भी नहीं मिल रही, आप प्लीज देखो ना। तू जा मैं देखती। हाँ ठीक है। साहिबा जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कलजी जी आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। साहिबा जी आप जितना चाहे हमारे बीच में फासले बढ़ा सकती है,
आपका हक है, लेकिन मैंने काम ही ऐसा किया। आपका और मेरा कोई वास्ता नहीं। आप मेरे बूजी के रिश्तेदार हैं और उस रिश्ते का मान रखना आपका और मेरा, हम दोनों का फर्ज है। आपने मुझे ही नहीं, मेरे परिवार के साथ भी विश्वासघात किया, जिनके बारे में वो बेचारे तो जानते भी नहीं है और ना ही कभी जान पाएंगे, सिर्फ इसलिए ताकि बूजी की गृहस्थी में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे मैंने जो गलती करी है उसका मुझे एहसास है और उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी, और मैं आपको सफाई भी नहीं दूंगा कि मैंने क्यों किया, लेकिन आपसे एक आखिरी मौका तो मांग सकता हूँ ना, इतना तो हक है मेरा। दर्जी जी प्लीज चले जाइए यहाँ से। जो हमारे बीच में वो सब सही है। जी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और जो आपके साथ अभी हो रहा है ये घात, वो सब सही है। दर्जी जी चले जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। साहब जी लेकिन आप देख, मैं समझता हूँ तेरी तड़प, तेरा दर्द, सब कुछ, लेकिन एक चीज तुझे समझनी पड़ेगी कि साहिबा अब मेरी बीवी है, इस घर की बहू है, हमारे बच्चे की मां बनने वाली है, और इस तरह एक शादीशुदा औरत के पास बार बार चले आना शोभा नहीं देता। तेरे घर से बूजी का रिश्ता है, तुम लोग हमारे मेहमान हो, तो अगर इस तरह तुझे कोई दिखेगा तो 50 सवाल खड़े हो जाएंगे। जितना जल्दी इस चीज को समझ ले बेहतर है। पर आप शायद ये भूल चुके हैं कि अगर हमारी शादी भी हो जाती और शादी होने के बाद मुझे ये सच पता चलता तो फिर भी मैं आपको छोड़ के वापस आ जाती। हमारा रिश्ता तो उस दिन टूट गया था जिस दिन आपने ये साजिश रची थी, और आप शायद ये भूल रहे हैं कि बुराई छुपती नहीं है, कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। अब प्लीज यहां से चले जाइए, इससे पहले रणवीर कुछ ऐसा कर दे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। रणवीर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैंने उन्हें यहाँ नहीं बुलाया था, मैं तो उनसे बिल्कुल बात भी नहीं कर रही थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो यहाँ कैसे आ गए। दलजीत ने तो मुझे सिर्फ मरा हुआ डिक्लेयर करवाया था, मैं तो वापस आ गया, पर मेरे हाथों गलती से ही सही किसी की मौत हुई है। तू अगर दलजीत को माफ नहीं कर पाई तो मुझे कैसे माफ करेगी? रणवीर, रणवीर। हाँ? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। वो रूप कह रही थी आपका लैपटॉप हैंग हो गया, मैं जाके ठीक कर लेती हूँ। हाँ तू देख ले जा। साहिबा! आई बेबे। बेबे बुला रही है। हाँ तू जा, मैं ही देख कर आता हूँ, जा। इसे मैंने आज तक इसलिए छिपा कर रखा था ताकि किसी दिन साहिबा को अपना सच बता सकूं, क्योंकि मैं अपने इस नए रिश्ते की शुरुआत सिर्फ सच से करना चाहता हूं, लेकिन अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे छोड़ देगी और मैं साहिबा को खोना नहीं चाहता। माफ करना साहिबा, पर अब मेरा सच सिर्फ इतना है कि तू मेरी बीवी है, मेरे होने वाले बच्चे की माँ है। अब और कोई सच और कोई असलियत मेरी समझ से बाहर है।
रुक बैठे, मैं कर देती हूँ। नाना पुत्र तू रहने दे। हाँ साहिबा, रस्म तो ये है कि पति पत्नी दोनों मिलकर खाना परोसते हैं। रणवीर को तो आ जाने दे। गल तो सही है, पर रणवीर है किधर पुत्र? पता नहीं पापा जी, बस आने वाले थे। कहाँ रहे? आगे जी जो वो आ गया। चलो चलो अभी लोग खाना परोसेंगे, हम लोग बैठ। चलो आज जाए जीजो, कहीं ऐसा तो नहीं कि दी के बिना आपको डर लगता हो? अब तेरी दीदी है ही ऐसी, जिसके पास भी होगी उसे इसे खोने का डर तो लगेगा ही ना। बड़ी सोनी बातें करते हमारे दामाद जी, है ना। लो जी, साहिबा ने अपने पल्लू से बांध लिया मेरे पुत्र को। हो जी, जो आंखों आंखों में बात कर रहे हैं, इन सबको खाना कब खिलाएंगे? प्यार से कब तक जिंदगी कटेगी, पेट थोड़ी भरता है। लेकिन मन तो भरता है ना, और ये बात आपसे बेहतर कौन समझेगा? क्यों निहाल प्राजी? हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैं अपनी सुखी और छोटू से इतना प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। आप सब लोग जानते हो ट्रू लव क्या होता है? अच्छा आपको पता है, तो फिर बताओ क्या होता है ट्रू लव? ये जो निक्कू और मेरा रिश्ता है ना, इससे प्यारा और मासूम रिश्ता कौन सा हो सकता है जी? इसको कहते हैं ट्रू लव। ये तो गलत बात हुई ना, आप ठीक से बताओ प्लीज। पुत्र ये बात ही ऐसी है ना, इस उम्र में ना तुझे ये सब कुछ नहीं पता चलेगा। इस बात का एहसास तब होता है जब उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। और जेंट्स को? जब वो पहली बार अपने बच्चे को गोद में लेता है ना, तब उसे एहसास होता है मेरा बच्चा मुझे दो की ना। आपका बच्चा मर चुका है, बच्चा मर चुका है बच्चे। जिससे आपकी फैमिली पूरी होती थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या हुआ पुत्र? दिलजीत है? दरअसल क्या है ना, मैंने आज के दिन एक मन्नत मांगी हुई, तो इसलिए मैं कुछ खा नहीं सकता। हाँ मैं जा रहा हूं, तू आ जाना। सिक्योरिटी कंपनी की सीटी, वो भी यहां पर।